आज सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथों पार्टी दफ्तरों की बड़ी सौगात दी जाएगी। इस बीच एक और बड़ी खबर, जहां डिप्टी सीएम बृजेश पाठक का रायबरेली दौरा है, बीजेपी कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। तो बड़ी खबर, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। तो आज पार्टी के जो कार्यकर्ता है, लंबे समय से उनको बड़ी सौगात देने की बात कही जा रही थी, जिसको लेकर तैयारी आधे तौर पर पहले ही पूरी कर ली गई थी, लेकिन अब आज सुचारू जो प्रक्रिया है उसे यहां पर चलाया जाएगा और कई बड़ी सौगातें यहां पर पार्टी कार्यकर्ताओं को दी जाएगी। क्योंकि पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से पहले डोर टू डोर कैंपेन किया जाता, तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन इस बीच जो पार्टी दफ्तरों की सौगात दी जा रही है, अब 8 जिलों में पार्टी दफ्तरों का उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथों किया जाएगा, जहां बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। ऐसे में डिप्टी सीएम बृजेश पाठक का भी रायबरेली दौरा कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण है, जो इस कार्यक्रम में भी शिरकत करते हुए नजर आएंगे। तो आज कहा जा सकता है कि पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके लिए आज बड़ा और महत्वपूर्ण दिन है, और ऐसे में आने वाली जो अब रणनीति है वो किस तरह से, जेपी नड्डा यहां पर तमाम कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र देते हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में विकास की पयार बहानी है, इसको लेकर भी अब बात रखी जाएगी। तो बड़ी खबर, जहां बीजेपी कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे डिप्टी सीएम बृजेश पाठक, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। 8 जिलों में पार्टी दफ्तर खोले जा रहे हैं और लंबे समय से पार्टी दफ्तर खोलने की बातें यहां कही जा रही थी, लेकिन इस बीच आज पूरी तरह से जो प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से चलती हुई नजर आएगी। एक और बड़ी खबर, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अयोध्या दौरा है, बीजेपी के नए हाईटेक कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। तो बड़ी खबर, जहां बीजेपी नेताओं के साथ बैठक भी की जाएगी, अमृत सरोवर का शिलान्यास भी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य करेंगे। तो पार्टी दफ्तरों की जो आज बड़ी सौगात तमाम बीजेपी के कार्यकर्ताओं को दी जा रही है राज्य सरकार की तरफ से, उसको लेकर हर जो महत्वपूर्ण यहाँ पर है, तमाम जो नेता हैं उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, और ऐसे में इसी उपलक्ष्य में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। और फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता वासुदेव यादव जुड़ गए हैं। अब वासुदेव, फिलहाल किस तरह की तैयारी देखी जा रही है और किस तरह के पूरी जो इंतजाम है अयोध्या में किए गए हैं, क्योंकि आज पार्टी दफ्तर के उद्घाटन यहाँ पर किया जाएगा और उसके साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी अयोध्या में रहेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जो यहाँ के मंडल प्रभारी हैं, लगभग 12 बजे यहाँ पे पहुंचेंगे फैजाबाद शहर में सादतगंज पर, जहाँ पे भाजपा का हाईटेक नया कार्यालय बना है, उसका 1:15 बजे उद्घाटन करेंगे और इसके बाद सर्किट हाउस में भाजपा नेताओं से मुलाकात करेंगे और शाम को 3 बजे वहाँ पे नेता के साथ मीटिंग भी प्रस्तावित है। और इसके उपरांत अयोध्या सदर विधानसभा का ग्राम पंचायत शरियावा है, जहाँ पे अमृत सरोवर का निर्माण कार्य चल रहा है, वहाँ पे वो उसका शिलान्यास करेंगे और लगभग 4:15 बजे वे अयोध्या धाम पहुंचेंगे, जहाँ पे अयोध्या तीर्थ ट्रस्ट के जो मुख्य अध्यक्ष है महापंडित गोपाल दास के जन्मोत्सव में शामिल होंगे और उनसे आशीर्वाद लेंगे और अयोध्या में ही काश सहयोगपुरम में वो साधु संतों के साथ एक मीटिंग करेंगे और शाम लगभग 5 बजे गांधी पार्क जो फैजाबाद शहर में स्थित है, वहाँ पे केंद्र सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। कुल मिला के 12 बजे से लेकर 6 बजे तक का उनका अयोध्या जनपद में कार्यक्रम प्रस्तावित है। उनके आगमन से पूर्व भाजपा के नेता यहाँ काफी तैयारियां किए हैं, खासकर जो यहाँ प्रोग्राम आज है, भाजपा कार्यालय का मेन उद्घाटन है और नित गोपाल दास का जन्मोत्सव, उसमें ये शामिल होंगे। उनके आगमन से पूर्व काफी तैयारियां यहाँ पे की गई, सुरक्षा व्यवस्था के भी उचित इंतजाम किए गए हैं। बिल्कुल, लेकिन इस बीच में किस तरह का उत्साह बीजेपी के कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है, क्योंकि 8 जिले और जिसमें अयोध्या भी शामिल है, जहाँ पार्टी दफ्तर का उद्घाटन किया जाएगा। जी, अगर उत्साह की बात करें तो उत्साह भाजपा नेताओं में काफी है, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है, उपलब्धि है कि एक हाईटेक कार्यालय उनको मिल रहा, मल्टीपर्पज व्यवस्थाएं वहाँ पे हैं और हर प्रकार की व्यवस्थाएं उस पार्टी कार्यालय में मिलेंगी और आज उसका उद्घाटन होना है, इसलिए काफी उत्साह भाजपा नेताओं में देखा जा रहा है। दूसरी ओर अगर अयोध्या की बात करें तो नित्य गोपाल दास का जन्मोत्सव चल रहा है, जिसमें काफी साधु संत आस पास के राजनेता भी उसमें शरीक हो रहे हैं, डेली शामिल हो रहे हैं, इसके चलते लोगों में खासा उत्साह अयोध्या में देखा। बिल्कुल, और बीजेपी नेताओं के साथ एक बैठक है, इस बैठक में क्या कुछ खास रहने वाला है वासुदेव? के साथ मीटिंग होगी, उसमें आगे की रणनीति बनेगी, मिशन 2024 भी यहाँ पे जो लोकसभा का चुनाव होना है उस पर भी मंथन चल रहा है और वो पार्टी की जो नीति है, रीत है, उसे भाजपा नेताओं को अवगत कराएंगे और दूसरी बात आगे की क्या रणनीति है उसके बारे में भी विस्तृत जानकारी देंगे। बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए वासुदेव आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
भाटिया जी आज अयोध्या आ रहे हैं। वे अयोध्या बाया रोड आएंगे और लगभग 12 बजे हुए अयोध्या आ जाएंगे। सर्वप्रथम वे फैजाबाद शहर में भाजपा के नवनिर्मित शहादतगंज कार्यालय का उद्घाटन करेंगे और वहीं से सीधे सर्किट हाउस पहुंच जाएंगे। वहां पे भाजपा कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और शाम 3 बजे के उपरांत वे सरियामा पहुंचेंगे, जहां पे अमृत सरोवर का वे शिलान्यास करेंगे और लगभग 4 बजे अयोध्या धाम आएंगे, जहां पे महंत नित गोपाल दास का 84वां जन्मदिवस पे जो आयोजन चल रहे हैं उसमें वे शरीक होंगे। इसके उपरांत वे फैजाबाद शहर में गांधी पार्क जाएंगे, जहां पे एक जनसभा को संबोधित करेंगे और 8 वर्ष केंद्र सरकार के पूर्ण होने पर गरीब कल्याण जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके उपरांत वे अयोध्या में कार्तिकपुरम में भी मीटिंग करेंगे और सायंकाल लगभग 6 बजे अयोध्या से वे बाया रोड होते हुए लखनऊ के रवाना हो जाएंगे। हम दिखाना चाहेंगे इस समय जो मणिराम दास छावनी है वहाँ पे काफ़ी तैयारियाँ चल रही हैं। यहाँ पे महंत नित गोपाल दास का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और इसी में शामिल होने के लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी आ रहे हैं। इनके आगमन से पूर्व यहाँ पे जो भाजपा कार्यालय का नवनिर्मित कार्यालय जो है शहादतगंज उसका उद्घाटन होना है, उसके चलते भाजपा के नेताओं ने काफ़ी तैयारियाँ की हैं। बताते चलें कि वे लगभग 12 बजे यहाँ पे आ जाएंगे और 5 से 6 घंटे का उनका कार्यक्रम अयोध्या जनपद में है, जिसके चलते भाजपा के कार्यकर्ता जहाँ तैयारियाँ कर रहे हैं वहीं प्रशासन भी सुरक्षा व्यवस्था का उचित इंतजाम किया है। जनता टीवी के लिए अयोध्या से वासुदेव यादव। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।